तनुश्री दत्ता ने राखी सावंत के अगेंस्ट लगाया 10 करोड़ के फाइन का डिफेमेशन का इल्जाम। राखी ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने तनुश्री दत्ता पर कई संगीन आरोप लगाए थे। राखी ने कहा था कि हॉन ओके के सेट्स पर तनुश्री की वजह से शूटिंग रुकी थी क्योंकि वो ड्रग्स की आदी थी। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि तनुश्री ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है और उनके शरीर पर कोई हीरे मोती नहीं जड़े जो उन्हें कोई छू नहीं सकता। राखी ने ये भी कहा कि नाना पाटेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता का रिप्लेसमेंट थी राखी सावंत हॉन ओके प्लीज के आइटम सॉन्ग में। इन्हीं सब के चलते तनुश्री अब कानून का सहारा ले रही है और 10 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है। और अब देखना ये होगा कि राखी सावंत इस पर क्या कहती है।